रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान पर जमकर निशाना साधा। जयप्रदा ने बताया कि सपा नेता आजम खान ने अपनी दबंगई और डर पैदा करके उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है और उस वक्त उनका साथ सिर्फ अमर सिंह ने दिया था। मैं अमर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब वो बहुत परेशान थी। जयप्रदा ने अपने पूर्व सांसद काल का जिक्र करते हुए कहा कि निर्वाचित सांसद रहने के बाद भी मुझे यहाँ रहने को सरकारी गेस्ट हाउस भी नहीं दिया गया। जो कार्य हमें करना चाहते थे उसकी फाइल दबा दी जाती थी। गुहार लगाने के बाद भी हमें फाइल्स मिलती थी। यहाँ सांसद को दबाने का एक दबंग तरीका बनाया गया था, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ। मुझे जब यहाँ जगह नहीं मिली तो मैं मुरादाबाद जाकर सुबह वापस आती थी और अपना काम करती थी। के बारे में अमर सिंह जी को इसलिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे को बदनाम किया। मेरे से एक औरत को समाज में अगर एक विमेन पावर कहला जाता है, विमेन को उत्थान की बात होती है, जब मैं यहाँ पे राखी बांधने के लिए आती हूँ तो मेरे राखी वापस हो जाता है। उस राखी के वास्ते में बता रही हूँ, कोई भाई अपने अपने घर में बहनों को इस तरह के अभद्र भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं।